नमस्कार दोस्तों, मैं तेजस्वी यादव। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ हैं। इस लाइव वीडियो के माध्यम से मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि लगभग 50 दिन हो गए हैं हमारी राजनीतिक कार्यक्रम को रद्द किए हुए, और शुरुआत के दिनों से ही हम लोगों ने सरकार का पूरा सहयोग किया है। सारे दिशा निर्देशों का हम लोगों ने पालन किया है, और इस दुख की घड़ी में जो सबसे ज़्यादा हम लोगों की चिंता थी और जो मांगे थी सरकार से, वो ये थी कि लगभग 25 लाख जो बिहार के लोग, बिहार से बाहर जो फंसे हुए हैं, जो श्रमवीर हैं, जो प्रवासी मजदूर गरीब भाई हैं बिहार के, वो फंसे हुए थे। उनकी मांग थी कि वो बिहार वापस आ सकें, अपने परिवार के साथ रह सकें, क्योंकि खाने का ठिकाना नहीं है, काम नहीं है, लॉकडाउन है, और लगातार 35 दिनों से हम लोगों ने सरकार से गुहार किया। हमने हाथ जोड़ करके विनती भी की बिहार सरकार से कि अगर दूसरे राज्य यूपी महाराष्ट्र या और राज्य के लोग अपने प्रदेशवासियों को वापस अपने राज्य ला सकते हैं, तो बिहार सरकार क्यों नहीं ला सकती। लगातार 35 दिनों से, और ऐसा लग नहीं रहा था कि सरकार जो है इच्छुक है उन सभी, चाहे छात्र हों जो कोटा में फंसे हुए हों, या हमारे प्रवासी जो मजदूर हैं उनको वापस ला सकें, ऐसा लग नहीं रहा था कि वो लाना चाहती हैं। लगातार हम लोगों ने विनती की, और हम लोगों ने ये फैसला लिया, हमारी पार्टी ने, कि 1 तारीख जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो मनाया जाता है, 1 तारीख यानी शुक्रवार, हम लोग जो हैं सांकेतिक रूप से उपवास करेंगे और सरकार पे दबाव बनाएंगे। आज ही इसकी सूचना हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में भी देने का काम किया, और मुझे खुशी है कि हमारे दबाव के कारण, लगातार हम सब लोगों के संघर्ष के कारण, सरकार को जो है बात और हमारी मांग को मानना पड़ा। अभी हमने न्यूज़ देखा, MHA का जो गाइडलाइंस है उसमें परमिशन मिला है कि जो भी बिहार के बाहर माइग्रेंट्स हैं, चाहे स्टूडेंट्स हों, टूरिस्ट्स हों, या लेबर्स हैं जो फंसे हुए हैं, उनको वापस आने की अनुमति दी गई है। तो लगातार हम लोग, हमारे पार्टी के सभी लोग, जो 25 लाख और कोटा में लगभग 12,000 लोग जो फंसे हुए थे, जो छात्र छात्राएं और 25 लाख जो प्रवासी मजदूर जो फंसे हुए थे, उनकी अनुमति मिल गई है। अब ये बार बार हवाला दिया जाता, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि नियम कायदा जो भी हो, लेकिन इस देश में 2 नियम कायदा नहीं हो सकते, अलग अलग राज्यों के लिए अलग नियम नहीं हो सकते। बिहार सरकार बार बार जो है माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी हवाला दे रहे थे कि नियम नियम नियम, लेकिन दूसरे प्रदेश के सरकार जो हैं वो लगातार जो है अपने लोगों को प्रदेश वापस लाती रही, और आखिरकार नीतीश कुमार जी को जो उनका जो ईगो था, आप कह सकते जो ज़िद थी, उससे हटना पड़ा, और हम लोगों ने उपवास का फैसला जो लिया था उसके आगे सरकार को दबना पड़ा। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से ये अपील करता हूँ, बिहार सरकार से ये अपील करता हूँ, जो 25 लाख जो बिहार के गरीब भाई हमारे जो फंसे हुए हैं दूसरे प्रदेश में, अब उनको अविलंब वापस बिहार लाने का काम किया जाए, जल्द से जल्द लाने का काम किया जाए। कोटा में जितने छात्र जो फंसे हैं उनको अविलंब, बिहार सरकार से अपील है कि उनको लाने का जल्द से जल्द प्रयास किया जाए और लाया जाए और सुनिश्चित किया जाए। अगर फिर भी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार सरकार के लोग अगर सक्षम नहीं हैं, तो बिहार के लोगों को स्पष्ट बात बताने का काम करें। अब हमको नहीं लगता कि कोई रुकावट हो सकती है लाने में। अब ये सिर्फ देखना है कि बिहार सरकार और नीतीश कुमार जी में कितना विल पावर है,
कि वो 25 लाख फंसे हुए हमारे प्रवासी बिहारी भाइयों मजदूरों को, जो कोटा में फंसे जो छात्र छात्र हैं, उनको किस प्रकार से लाएंगे। और मैं शुरू दिन से ही कह रहा था, हमने एक पहले भी फेसबुक लाइव वीडियो किया था, हमने सभी मजदूरों भाइयों से कहा था जो गरीब हैं, जो श्रमवीर हैं, कि चिंता आप मत कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, संयम बनाए रखिए, राष्ट्रीय जनता दल और आपका भाई बेटा तेजस्वी यादव आपकी लड़ाई को लड़ेगा, आपके संघर्ष और दुख में आपके साथ खड़ा रहेगा। और मुझे खुशी है कि अभी MHA का जो गाइडलाइंस जो मिला है उसमें अनुमति दी गई है, तो आप लोग निश्चिंत रहें। लगातार हम और हमारी पार्टी, हमारे विधायक, हमारे MP, हमारे जितने भी दूसरे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार मजदूर भाइयों के पास राशन जो कमी थी, जो भूखे थे, उन तक जो राशन पहुंचाने का काम किया, उन सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। और ये काम जारी रहेगा जब तक बिहार के लोग, हमारे भाई बंधु वापस नहीं आ जाते। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम राजनीति नहीं कर रहे, लेकिन एक सवाल बार बार खड़ा होता था कि दूसरे प्रदेश के लोग जो हैं लॉकडाउन में भी दूसरी सरकार जो है अपने लोगों को लेकर के गई, तो बिहार सरकार की आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो नहीं ला पाए। इसलिए यह राष्ट्रीय जनता दल और सभी लोगों ने जो उसमें सहयोग किया, सरकार पे दबाव डाला, इसके लिए हम सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। और हमारी कोशिश रहेगी, अभी भी सारी चीज़ों को हम माइन्यूटली देखेंगे, बारीकी से देखेंगे कि किस प्रकार से जो है बिहार के मजदूरों की स्थिति है, सरकार क्या कर रही है, और जो भी कमियां होंगी, जो भी हमारा सुझाव होगा, आप लोगों से हम लोग साझा ज़रूर करेंगे। लेकिन सिर्फ प्रवासी मजदूरों की ही बात नहीं है, बिहार में आपने देखा होगा राशन वितरण में भी बड़े पैमाने पे धांधली हुई है, कोई पारदर्शिता नहीं रखी गई है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। रामविलास पासवान जी कुछ कहते हैं और बिहार सरकार जो है कुछ और डांटा देती है, डोर टू डोर स्क्रीनिंग की बात कर रही है, लेकिन हम सब लोगों को ये पता है कि बिहार की स्थिति वाकई में कोरोना के समय क्या है। ये केवल डेटा जो दिया जा रहा है बिहार सरकार द्वारा, ये केवल आई वॉश कराने के लिए है, आई वॉश कराया जा रहा है। और बहुत दुख होता है, हमने कई एक आध वीडियोस देखे जहां काफ़ी मजदूर जो प्रवासी जो लोग हैं वो गुस्से में हैं, लेकिन समय ठीक है, गाइडलाइंस का जो अभी अनुमति मिली है, अब बस ये देखना है कि बिहार सरकार 25 लाख मजदूरों को लाने में सक्षम है कि नहीं है। मैं अभी भी सरकार से फिर दोहरा रहा हूँ, अगर सक्षम नहीं है तो साफ साफ जो है आप बताएं, कब तक लाइएगा, क्या व्यवस्था कीजिएगा, किस प्रकार से जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में जो पूरी तरीके से मर्माहत स्थिति में आ गई है, जिस हिसाब से वसूली रंगदारी लॉकडाउन के नाम पे हो रहा है, बहुत ही दुखद है। लोग पहले से ही पीड़ा में हैं और भी जुल्म हो रहा है सरकार में। सरकार में जितने लोग जो अधिकारी पदाधिकारी जो बेईमान हैं, उनको ये सरकार के लोग प्रमोशन देने का काम कर रहे हैं, ये सारी घटनाएं हमने देखी है। आप लोगों ने जो जवाबदेही दी है, जो जिम्मेदारी मुझे दी है नेता विरोधी दल और विपक्ष के नेता होने के नाते, प्रतिपक्ष का नेता होने के नाते, ये हमारा काम है कि सरकार की कमियों को गिनाना। और विपक्ष जो है सरकार का ही अंग होता है, लेकिन जनता की बात रखना, जनता के लिए लड़ना, खास तौर पे जिस प्रकार से गरीबों को छोड़ दिया गया था, आप देखेंगे कि BJP के जो विधायक हैं वो अपने बेटे को या अपने परिवार के लोगों को कोटा से ला सकते थे, लेकिन और जो है जिसके पास पास नहीं है, जो गरीब है, जो लाचार है, उसको बिहार सरकार ने छोड़ दिया, कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई के नाम पे
सिर्फ ढकोसला किया जा रहा है। इसलिए आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये हमारी लड़ाई जो है यह चलती रहेगी जब तक बिहार के लोग वापस बिहार ना आ जाएं, गरीब मजदूर वापस ना आ जाएं, छात्र छात्राएं वापस ना आ जाएं। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए